वैसे तो आपने बहुत सारे जीव जंतुओं के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसे जीव के बारे में जिसको केवल रात में अंधेरे में देखा जा सकता है। यह पेड़ों के ऊपर या गुफाओं में उल्टे लटके हुए रहते हैं। कहा जाता है चमगादड़ों के दांत इतने नुकीले होते हैं और मजबूत होते हैं कि जिस इंसान या जानवर में चिपक जाए तो उसका खून पीकर ही छोड़ते हैं। वैसे तो यह काफी ज्यादा घातक भी होते हैं, लेकिन इसको अलग अलग रूप में देखा जाता है। कहा जाता है चमगादड़ अगर घर में आ जाए तो काफी शुभ होती है। कहा जाता है कि जहां चमगादड़ों का वास होता है वहां धन की कमी नहीं होती। यदि किसी इंसान के घर में चमगादड़ का वास हो तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है कि चमगादड़ माता लक्ष्मी का वाहन होता है, इसको घर में आना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार चमगादड़ों के प्रतीकों को घर में रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के चलते चीन में चमगादड़ों की बहुत मान्यता है। चीन में चमगादड़ की लंबी आयु होने के कारण इन चमगादड़ों की जीवनदायी औषधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीन में ज्यादातर घरों में चमगादड़ों के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। बाजार से आने वाली चमगादड़ के प्रतीक को भी घर में रख सकते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान होते हैं। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।